हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। फाइनली जो कॉलेजेस अलोकेट होने थे वो हो चुके हैं। सबसे पहले कैसे चेक करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देयर आर टू वेज। पहला ऑप्शन है आप कैप के जो पोर्टल है यहाँ पे आप आएंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चेक वैकेंसी और अलॉटमेंट। यू हैव टू क्लिक हियर चेक कैंडिडेट अलॉटमेंट। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देन यू हैव टू एंटर योर अप्लीकेशन आईडी। आपको दिख जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। दूसरा जो तरीका वो ये है कि आप अपना जो ये जो कैप का पोर्टल है इस पर आप लॉग इन कर दीजिए, आपको दिख जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला, जब हम देखेंगे कौन सा कॉलेज मिला है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। पहला चॉइस है फ्रीज का, ठीक है। दूसरा चॉइस है बेटरमेंट का। फ्रीज का मतलब क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है यू आर हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर लोकेशन, जो आपको कॉलेज मिला है ये आप ही ने कॉलेज डाला था, तो उसी में से आपको बेस्ट कॉलेज बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस बेस्ड ऑन योर स्कोर आपको बेस्ट कॉलेज मिला हुआ। इफ़ यू आर हैप्पी तो आप फ्रीज करके सीट एक्सेप्ट कर लीजिए। सीट एक्सेप्ट करते टाइम आपको 1000 रुपीज़ पे करना है। ये एक अलग फीस है, सीट एक्सेप्टेंस फीस इसको बोलते हैं। ये कॉलेज की फीस नहीं है, कॉलेज की फीस कॉलेज में आपको जाके देनी है, ठीक है। तो ये रहा फ्रीज। इफ़ यू आर हैप्पी फ्रीज पे क्लिक करिए, एडमिशन फॉर्मेलिटीज कॉलेज में जाके कंप्लीट कर लीजिए। बेटरमेंट का ऑप्शन का मतलब क्या होता है? बेटरमेंट होता है यू आर नॉट हैप्पी, या फिर आप खुश हो बट यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर चॉइस कि मेरे को इस नेक्स्ट राउंड में कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए। तो अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो देन यू हैव टू क्लिक ऑन बेटरमेंट। इफ़ यू आर हैप्पी फ्रीज पे करिए, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी बेटरमेंट ऑप्शन आपके पास है, आप बेटरमेंट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नोटिस है इसको आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिन स्टूडेंट्स को पहला प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, मान लीजिए आपने तीन कॉलेजेस रखे थे ए बी सी, पहला कॉलेज अगर आपको मिल चुका है फर्स्ट प्रेफरेंस का, तो वही आपका फाइनल होगा। आपके स्क्रीन पे बेटरमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है, और आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते क्योंकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन मिला है। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन केस आप ही ने पहले नंबर पे रखा था, स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आपको थर्ड राउंड में डायरेक्टली जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के मन में कि क्या राउंड टू में हम कॉलेज के प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं? यस, आप राउंड टू में जब आप जाओगे वहाँ पे आप कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको चेंज कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ में एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, राउंड टू में जिसको जाना है उसको भी कॉलेज ऑप्शंस फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा जब राउंड टू चालू होगा। तो पूरा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ ऑप्शन फॉर्म आपको भरना कंपलसरी होगा अगर आप राउंड टू में जाना चाहते हो, आप जाओगे तो, ठीक है। सो सबसे पहले इनकेस इफ यू आर हैप्पी फ्रीज कर दीजिए, इफ यू आर नॉट हैप्पी बेटरमेंट करके आप राउंड टू में चले जाइए। वी आर रिक्वेस्टिंग जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपको जो कॉलेज मिला है प्लीज अपडेट। हमने एक गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, उसमें आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आपको अपडेट कर देना है। इसके साथ साथ में जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि हमारे पास कैप पर्सनलाइज कोर्स है जिसमें हम स्ट्रैटेजी बताते हैं कि आपको एक कम स्कोर में बेटर वाला कॉलेज कैसे मिल सकता है, या फिर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए थे, वो कैप राउंड से बाहर हो चुके हैं, ठीक है, तो कैसे आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करना चाहिए, प्लस कॉलेज प्रेफरेंसेस कैसे डालने हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आपको कैप पर्सनलाइज कोर्स में हेल्प करते हैं। सपोर्ट ओवर कॉल एंड चैट 11 से 7 के बीच में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होगा हम वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। एक कूपन कोड है स्पेशल, आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। फाइन, सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेजेस। थैंक यू।